जय हिंद आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनी टाइम में मोहम्मद है। उस वक्त बात कर रहा हूँ फैजपुर शहर से। आज यूथ मूवमेंट फैजपुर की ओर से आज ब्लड डोनेशन कैंप लिया गया हर साल की तरह। ये यूथ मूवमेंट 16 सालों से लोगों की खिदमत के अंदर काम कर रहा है। यूथ मूवमेंट ने आज ईद मिलादुल नबी 12 रबीउल अव्वल के दिन आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा और आज इस तरीके से पूरी तरीके से कामयाब रहा। यहाँ बड़ी बड़ी तादाद में लोग आकर ब्लड दान कर रहे हैं। इसी के तरीके से यहाँ पर फैजपुर के अलग अलग फाउंडेशनों ने ये यूथ मूवमेंट को पाठिंबा दिया और यूथ मूवमेंट ने अपना काम जो हर साल की तरह करता है इस साल भी पूरा किया। यूथ मूवमेंट की ये कामयाबी को देखते हुए यूथ मूवमेंट को हम हमारे न्यूज़ एनी टाइम की तरफ से दिली मुबारकबाद देते हैं और न्यूज़ एनी टाइम के माध्यम से यूथ मूवमेंट को हम आगे कामों के लिए बधाई देते हैं। आप देखते रहे न्यूज़ एनी टाइम में मोहम्मद। मेंबर, आज यूथ मूवमेंट का ब्लड डोनेशन कैंप था, आपने ब्लड दिया तो आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये इंसानियत के लिए इंसानों की मदद है। और आज का जो दिन इतना बड़ा दिन है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म दिवस दिन है और ईद मिलादुन नबी के जश्न के ऊपर ये डीजे वीजे ऐसे नाच गाने प्रोग्राम ना करते, अगर ऐसे कार्यक्रम रखे जाए तो समाज के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है। और यूथ मूवमेंट ने जो ये प्रोग्राम हर साल रखती है और हर साल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लोग ब्लड डोनेट करते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे ही हर साल रखे। और ये सबसे अच्छा प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं ईद मिलादुन नबी के दिन, ये सबसे अच्छा प्रोग्राम होता है ब्लड डोनेट कैंप। ये इंसानों की इंसानियत के लिए सेवा है। मैं इतना ही कह के अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। आज का यूथ मूवमेंट और बादशाह की जानब से जो ब्लड कैंप किया जा रहा है, इसका उद्देश्य जो है बीमारों को फ़ायदा पहुँचाना है और नौजवानों को इसके ज़रिए मैसेज देना है कि तुम दुनिया के अंदर भले काम करने के लिए पैदा किए। रबीउल अव्वल को ये कैंप लेने का मकसद यह है कि रबीउल अव्वल के मौके से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं जो आपने सारे इंसानों के लिए बताई है, उसमें से एक तालीम ये भी है कि खैरुन्नास फ़ैनुन्नास, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो, फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। इसलिए यहाँ खैरुन्नास कहा गया, खैरु मुसलमान ही कहा गया, किसी कौम किसी बिरादरी का नाम नहीं लिया गया, बल्कि एक मैसेज इस्लाम के इसमें दिया गया जो भी भले काम करना है सारे इंसानों के लिए किया गया। तो यूथ मूवमेंट जो है इसका ध्यान रखते हुए उन्होंने हमारे बिरादर वतन को भी नॉन मुस्लिमों को भी इसमें मदद किया है। यहाँ नॉन मुस्लिम भी अपना ब्लड दे रहे हैं, मुसलमान भी अपना ब्लड दे रहे हैं और प्रोग्राम के अंदर भी सब शरीक हैं। ये उसका मैसेज ये है कि नौजवान भलाई का अलमदार बने, अच्छे कामों को करने वाला बने, लिहाजा इस कार्यक्रम के जरिए समाज को एक अच्छा मैसेज देना इस मूवमेंट का काम। रुकमिन की जानब से जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इस प्रोग्राम की नौयत को देखते हुए प्रोग्राम बहुत बड़ी नौयत रखता है। ना डीजे, ना ढोल तासे, ना नाच गाना कुछ करते हुए एक इंसानियत की खातिर इंसानियत की सेवा का काम, ये खून का हथिया देने का काम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो हम अपने खून का हथिया दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा हथिया है। इसमें यूथ विंग के अलावा यूथ विंग ने जो सभी सोसाइटियों को इसमें शामिल किया, सबको लेकर